मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू. सबको सुबह का नमस्कार. वी प्रेज गॉड फॉर दिस मीटिंग अरेंज्ड बाय पास्टर हिदायत मसीह. इस मीटिंग के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं जो पास्टर हिदायत मसीह के द्वारा अरेंज किया. आई नो ही इज अ गुड ऑर्गेनाइजर. हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे व्यवस्थापक हैं. आई हैव सीन हिम ऑर्गेनाइजिंग सच मीटिंग्स व्हेन ही वाज इन नॉर्थ इंडिया यूनियन. जब नॉर्थ इंडिया यूनियन में काम करते थे तो उन्होंने उनको कई अच्छे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हुए उनको देखा गया. आई सैल्यूट यू पास्टर हिदायत मसीह फॉर सच अ ब्यूटीफुल मीटिंग यू हैव अरेंज्ड. सर आपको जो हम लोग सैल्यूट करते हैं इस अच्छे मीटिंग के लिए. इट्स नॉट हार्ड थिंग, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, बट इट्स वेरी हार्ड. बट आई वॉन्ट टू थैंक हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू. I want to once again congratulate him for the meeting. ये बहुत कठिन भी नहीं है, ना कि सहज है, लेकिन आप सबों की तरफ से जो है उनको बधाई देते हैं इस मीटिंग को आयोजन करने के लिए. The topic they have given here, service beyond commitment. हमारे समर्पण से भी अधिक जो है यह है हमारा शीर्षक यहाँ दिया गया है. When you refer to the meaning of that service, what it means, an act of being assistance to someone. यहाँ जो है सेवा जो है इसके विषय जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है किसी को सहारा देना, किसी को सेवा करना. Once I was traveling by bus. एक बार जो है ये बस से यात्रा कर रहे थे. It was a two-seater. और ये जो है टू सीटर वाला बस थे. One man was sitting near by the window. और एक व्यक्ति जो है खिड़की के नजदीक बैठे हुए थे. Once a while he just put the hand out. और एक बार जो है अपने हाथ जो है खिड़की से बाहर रखे. I just wanted to observe what he was doing. और जब इनको तजुब हुआ कि वो बाहर क्या कर रहे हो. When I keenly observed, I saw he was throwing some seeds. और जब वो उनको देखे जो खिड़की से बाहर वो कुछ बीजों को फेंक रहे थे. Then I asked, what are you doing? तो फिर उनको पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं. Then he said, now this is the rainy season. और कहने लगे ये तो वर्षा का ऋतु है. This is the time to sow some seeds. ये तो समय है जो है कुछ बीजों को जो है डालने का. बट आई सेड यू आर थ्रोइंग फ्रॉम द बस. लेकिन आप तो बस से जो है ये फेंक रहे हैं. यस सर, आई हैव सम सीड्स. इफ आई थ्रो लिटिल अवे, एटलीस्ट वन ऑफ और फ्यू ऑफ द सीड्स कैन ग्रो टू बी टॉल ट्रीज वन डे. वो कहने लगा जो है इसको मैं बाहर फेंक रहा हूँ और इसमें से कम एक या तो कुछ एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो सकते हैं. देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. और उसके बाद जो है आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो है आप लोग लेस रेन एंड ऑल और कम वर्षा होती है उसके विषय बात करने लगा. सच पीपल आर स्टिल अलाइव. ऐसे अच्छे लोग अभी भी जिंदे हैं. दिस इज व्हाट वी सी व्हाट यू मीन बाय सर्विस. और ये जो है सेवा का क्या मतलब है इसे हम लोग यहाँ समझते हैं. एन एक्ट ऑफ बीइंग असिस्टेंस टू समवन, टू सम कम्युनिटी और ए कंट्री. किसी देश, किसी जाति, किसी भाषा के लोगों को जो है किसी तरह से उनको सहयोग पहुंचाना, उनको जो है मदद पहुंचाना. देयर आर सम पीपल हु सर्व फॉर देयर कम्युनिटी. कुछ लोग हैं जो कि किसी समुदाय विशेष को जो है सेवा करते हैं. देयर आर पीपल फॉर देयर लैंग्वेजेस. और कुछ लोग ऐसे हैं किसी भाषा विशेष को जो है सेवा करते हैं. एंड यू हैव कम टू नो अबाउट द एजुकेशनल सर्विस, मेडिकल सर्विस, सोशल सर्विस. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज. बहुत तरह की सेवाएं हो सकती है, जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा हो सकता है और जो है सामाजिक सेवाएं हो सकती है. गॉड वॉन्ट्स अस टू सर्व द पीपल. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की सेवा करें. सम इयर्स बैक आई रेड अबाउट अ मैन इन न्यू दिल्ली के में एक व्यक्ति के विषय में कुछ साल पहले उन्होंने पढ़ा था. यू नो हाउ ओल्ड वाज ही. आप जानते हैं कि वो कौन थे. ही वाज 75 इयर्स ओल्ड. वो एक ऐसे व्यक्ति जो 75 साल के थे. व्हाट वाज ही डूइंग यू नो. और उस समय वो क्या कर रहे थे. ही यूज्ड टू गो एंड नॉक द डोर. वो घरों में जाकर के वहां खटखटाते थे. Someone will come out from the house. कोई ना कोई अंदर से बाहर आएगा. He used to ask only one question. और उनको एक ही सवाल वो पूछते थे. Is there any tap leaking? कहते क्या आपके घर में कोई जो है टैप है वो जो है कहीं लीक तो नहीं कर रहे हैं? People will think, oh, there is one tap in the bathroom leaking. और जो है लोग बोले हाँ बाथरूम का एक टैप है उसमें से लीक हो रहा है पानी. He will get permission. और उनको परमिशन मिलती है. He himself has some instruments. और उसके पास कुछ रेंच और फ्लैश वगैरह उनके पास होते थे. He goes to the spot. और जाएंगे वहां पर जहां लीक हो रहा है. Correct it, mend it. और उसको जो ठीक कर देते थे. When he is about to leave. और जब छोड़ने वाले होते थे. The owner of the house will
come to give some amount, maybe 50 rupees or 20 rupees. जब वो जाने लगते थे तो जो घर का मालिक जो है उसको 20 रुपया या 50 रुपया कुछ भी जो है वो निकाल करके उनको देते थे. Then he will say, no, I am not for that. और तब वो कहते थे कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ मैं. The commissioner of Delhi, दिल्ली का जो कमिश्नर जो है, awarded him, और उनको जो है पुरस्कृत किए. By such an act, you could see nearly 8 million water. और जो है उस तरह से जो है उनको जो है पुरस्कृत किया क्योंकि उसने 8 million पानी जो है उसको लीक होने से उनको बचाया. सिंपल एक्ट, बहुत साधारण सा काम. At what age? 75 years of age. और यह भी जो 75 साल की उम्र में. When we want to do something for the community, आप जब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, we can do something. आप कर सकते हैं कुछ. For that there is no need of education. और उसके लिए किसी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है. No need for any position. किसी जो है पद में होने की कोई जरूरत नहीं है. No need for any coat like this. और कोई इस तरह से जो है कपड़े की जरूरत नहीं है. What is needed is your mind to work for. और सिर्फ जरूरत है आपको उस तरह से करने का एक मनसा, एक इच्छा. People have done such a good work throughout the country, throughout the world. और इतिहास में और हमारे देश में इस तरह के बहुत सारे लोगों के विषय हम लोग पाते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है. I have heard about one girl yesterday. Dr. Gadangar was talking about Georgia Burress. I am going to talk about another young girl. जैसे कल जो है हमारे सेक्रेटरी जो है बात कर रहे थे जॉर्जिया बरस के विषय में और एक दूसरे जो है लड़की के विषय बात करना चाहते हैं. Her parents were serving nearby Pondicherry some years back. कुछ साल पहले जो है पांडिचेरी में उसके जो माता पिता सेवा करते थे. They were from the USA. और वे USA से थे. This girl, when she was in high school, she came to visit her parents. जब आप हाई स्कूल में थी तो अपने माता पिता को देखने के लिए आई थी. When this girl was staying with her parents, जब ये लड़की अपने माता पिता के साथ रह रही थी. One night around 1 o'clock, some knock was there in the house. और एक बजे रात में उनके घर में जो है दरवाजा किसी ने खटखटाया. One Muslim man was standing there. और बाहर एक मुस्लिम व्यक्ति खड़े थे. And the girl asked, "What for you have come?" और लड़की ने उसे पूछा कि आप किस काम के लिए आए हैं. The man said, "My wife is in labor pain. Can you please come and help me because I know someone here as a doctor." और कहने लगे जो है मेरे पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है कि आप ये मदद कर सकते हैं. The girl said, "I am not doctor. My father is a doctor. I will tell him to come with you." वो कहने लगे कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे पिता भी डॉक्टर हैं, हम लोग आएंगे आपको मदद करेंगे. But this man said, "I am Muslim. I won't allow any gents doctor to come and see that." कहने लगे जो है हम लोग तो मुस्लिम है, किसी पुरुष व्यक्ति को अपने घर में हम लोग इजाजत नहीं देते. And the story says within two and a half hours, 3 such men came, asked for medical help. और इस तरह से जो है उसके कॉल से जो है 3 घंटे में जो यहाँ पर पैरामेडिकल कैंप वहाँ हुआ. When the girl was with the parents for the morning breakfast, जब सुबह जो है लड़की जो है ब्रेकफास्ट में जब थी, the girl asked the parents, "What happened to the 3 ladies who were under labor pain?" वो कहने लगे रात में जो प्रसव पीड़ा की जो खबर आई थी उस महिला का क्या हुआ. The father said, "All the 3 ladies died because there was no medical help." इस तरह से जो है बिना मेडिकल हेल्प के चलते जो स्त्री मर गई. At the very moment this girl took the decision. और उसी समय वो जो है लड़की जो एक फैसला ली. She said to the parents, अपने माता पिता से कही, "Dad, I am returning to US." वो कहने लगे कि मैं यहाँ लौट करके मैं आऊंगी. I will study medicine. कहता कि मैं मेडिकल पढ़ूंगी. I will come back to this land. और इस धरती पर मैं वापस आऊंगी. And she returned by January 1, 1900 and she landed at Chennai seaport. January 1, 1910 को जो है चेन्नई एयरपोर्ट पर वो आई. She started the medical school in Vellore. Vellore में जो है एक मेडिकल दुकान का उसने शुरू किए. That hospital, the world famous one, we all know, Christian Medical College at Vellore. और आज जो हॉस्पिटल शुरू किया आप सभी को जानते हैं, वेलोर हॉस्पिटल के विषय में बारे में जानते हैं. Started by Ida's Khadar. और इस इनके द्वारा से जो एक शुरू हुआ. With a single bedded hospital. एक मात्र बिस्तरा के द्वारा से यह हॉस्पिटल को शुरू हुआ था. In 1900. 1900 में. By 1902. 1902 तक. It turned to be 40 bedded hospital. ये 40 बेड का हॉस्पिटल बना. In 1914. और 1914 तक. She started the first nursing school. और वहाँ से जो है नर्सिंग स्कूल वहाँ पर उसने शुरू की. In 1942. और 1942 तक. She started medical college. और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज उसने शुरू की. In 1946. और 1946. She started the first BSc nursing
college in the whole land as the first one. ये हमारे देश में जो पहला बीएससी नर्सिंग कोर्स उसने वहाँ पर शुरू की. Today they operate 135 courses there. आज वहाँ पर जाकर 35 ये जो है सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाई जाती है. You know what's going on in the medical hospital today? आज उस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है आप जानते हैं? Every day at an average of 7,400 patients are treated. वहाँ पर जो है 7,400 लोगों का इलाज प्रतिदिन यहाँ पर होती है आज. Every day 2,085 inpatients are there. 2,035 मरीज जो है प्रतिदिन वहाँ भर्ती होते हैं. Every day 24,800 lab tests are conducted. 24,000 से ज्यादा जो है लैब टेस्ट एक दिन में वहाँ जांच होता है. Every day 168 operations are done there. वहाँ से 168 ऑपरेशन जो है प्रतिदिन वहाँ किया जाता है. Every day 73 children or babies are born there. वहाँ पर 73 बच्चे हर दिन पैदा होते हैं. One day's expenses 1,43,00,000. या एक दिन का खर्च 1,43,00,000 रुपया एक दिन का खर्च आता है हॉस्पिटल का. You know what she said? ऐसे कैसे संभव हुआ? There is no greater calling than to serve your fellow man. अपने लोगों की सेवा करने से बड़ा कोई और सेवा नहीं है. There is no greater contribution than to help the weak and the poor. गरीबों को सेवा देने के उसको छोड़ करके कोई दूसरा जो है अब देना दे नहीं सकते हैं. There is no greater satisfaction than to have done it well. किसी व्यक्ति के लिए जो है कुछ करने से ज्यादा संतुष्टि और कोई दूसरा संतुष्टि नहीं है. We are in the church. हम लोग जो है आज एक मंडली में है. I am part of the church. मैं जो एक मंडली में बढ़ा हूँ. The world wants to see something different from the church. हमारे जो है मंडली जो है दूसरे चर्चों से जो है अलग देखना चाहती है. What you do, what I do. आप जो क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ. You know, if you turn to the book of Matthew. अगर मत्ती की किताब अगर हम खोलेंगे. 25th chapter. उसका 25 अध्याय. From 31st verse. उसका 31 पद से हम पढ़ेंगे. We read some verses. यहाँ पर हम कुछ पदों को हम पढ़ेंगे. Because at the end, we see people are going to be separated. और अंत में जो है लोग विभाजित किए जाएंगे बांटे जाएंगे. वन ग्रुप ऑन हिज राइट साइड. एक जो दल होगा जो उसके दाहिनी ओर होगा. वन ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड. और दूसरा दल जो होगा उसके बाईं ओर होगा. एंड गॉड इज गोइंग टू डिवाइड ओनली ऑन वन बेसिस. और एक ही आधार पर उनको जो है बांटा जाएगा. लेट अस हियर व्हाट द वर्ड्स व्हाट ऑफ द लॉर्ड सेज. आइए जो है कौन सा आधार है परमेश्वर का वचन क्या कहता है. मैथ्यू 25:31 25:31. When the Son of Man comes in His glory, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. और सब स्वर्गदूतगण उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा. That is second verse. All the nations will be gathered before Him. और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी. And he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा. He will put the sheep on his right. वह भेड़ों को तो अपने दाहिने ओर रखेगा. And the goats on his left. और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा करेगा. Then the king will say to those on his right. तब वह अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, Come. You who are blessed by my father. हे मेरे पिता के धन्य लोगो आओ. Take your inheritance, the kingdom prepared for you in the creation of the world. उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है. Here gives the reason why he wants to take the people. Because I was hungry. आगे कहते क्यों जो लोगों उसका कहते क्योंकि मैं भूखा था. You gave me something to eat. और तुमने मुझे खाने को दिया. I was thirsty. मैं प्यासा था. You gave me something to drink. और तूने मुझे पानी पिलाया. I was a stranger. मैं परदेशी था. And you invited me in. और तुमने मुझे अपने घर में. I needed clothes and you clothed me. मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए. I was sick and you looked after me. मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली. I was in prison and you came to visit me. मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए. No other reason is given in the Bible. Bible में यहाँ पर जो कोई दूसरा कारण नहीं दिया गया है. Bible gives no other reason. Bible कोई और दूसरा कारण नहीं बताता है. If you keenly observe, five things he wants to do, he wants us to do. यहाँ पर जो अगर ध्यान से अपने यहाँ पर दिया दिखते हैं पांच चीजें हैं जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है. Look after the hungry. बोलता है तुमने भूखों को खिलाया. Thirsty.
प्यासों को पानी पिलाया, strangers, और विदेशी को अपने घर में ठहराया, the clothless, कपड़ेहीन लोगों को तूने कपड़े पहनाए, the sick and the poor people in the prison, गरीबों को तूने दिया और जो है जेल में थे उनसे मिलने आए। When I read this passage, I asked to myself, what I needed to do this? मैं जब इस भजन को पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्यों मुझे यह करना है। Is there an education needed for me to be BA or MA or anything like that? क्या ये सब चीज करने के लिए जो किसी डिग्री की जरूरत है? Does it need anything else? क्या और किसी चीज का और जरूरत है? Anyone can do. कोई भी इस काम को कर सकता है। The church मंडली is ordained for that. मंडली इस काम के लिए जो है उसको अभिषेक किया गया, उसको ठहराया गया है। If you go out to do this, अगर आप इसको करने के लिए आप चाहेंगे, the early days, you know, the missionaries who came to India, they did this. प्रारंभिक समय में जब जो हम मिशनरी आए तो यही करते थे। When we do, people will recognize that we are different. अगर ये काम अगर हम करेंगे, आज देश हमें पहचानेगा कि हम दूसरे लोगों से अलग हैं। Some months back, कुछ महीने पीछे पहले की बात है, I had to go to a place called Madurai. मदुरई में जो है काम के लिए गए। I told the people to book the ticket in a particular train so that I can reach there by 6 o'clock in the morning. एक खास ट्रेन में उनको टिकट बुक करने के लिए कहा गया था कि जो सुबह जो है 6 बजे वो पहुंच सके। And she could not get the ticket on that train. She booked in another train. और क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल सका, उन्होंने इसे दूसरे ट्रेन पर उनके लिए टिकट बुक कर दी। After getting on the train only, I came to know that the train will stop there by 2 o'clock in the morning. और जो है ट्रेन में चढ़ने के बाद ही उनको पता चला कि दो सुबह जो है 2 बजे वहाँ पर रुकेगी। I got down from the train by 2 o'clock in the morning. सुबह जो है 2 बजे वहाँ पर उतरे। Taking my carriage, I luggage, I just went to the resting place. अपने सामान जो है लेकर के जो है आराम करने की जगह पर चले गए। As I was walking, I saw a man moving from one side of the road to the other side of the road. वहाँ पर जब गए तो एक व्यक्ति को रोड से इस पार से उस पार जाते देखे। And from this side to other side. और इस पार से जो है फिर उस पार जो है जाते देखे। Then when I came near to that place, I found some barriers there because of the festival, the some transport changes have made. और वहाँ जाने से जो है इनको पता चला कि वहाँ पर जो है कुछ वहाँ फंक्शन चल रहा था, इसलिए जो रोड पर जो अवरोधक लगा दिया गया था। When I came to that man, I touched his shoulder and said, "Where do you want to go?" और जब उनके पास जाकर कि इन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख करके बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? He said, "Sir, I have to go to the bus stand to catch one bus." कहने लगा जी मैं बस स्टैंड जाना चाहता हूँ, वहाँ पर एक बस पकड़ना है। In Tamil Nadu, the buses are regular throughout the day and night. और वहाँ पर तमिलनाडु में तो दिन और रात जो है बस जो है चलती रहती है। And I asked, "Why you want to go to that particular place now?" From the bus stand, he want to take a bus to a particular place. और जो है उनको पूछे कि उस खास जगह जो है इस समय जो आप क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? You must have come to know by this time he was a blind man. और अभी तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा वो अंधे व्यक्ति थे। And he said, "Sir, I am going now to take bath." कहने लगा अभी मैं जो है नहाने जा रहा हूँ मैं। To make the story short, I took the man to the bus stand. I had to walk nearly 500 meters there. और जो है उस व्यक्ति को जब बस स्टैंड में ले गए और करीब 500 मीटर तक वहाँ जाना पड़ा। After reaching that place, people said, "Sir, bus will not come here. You have to go to the other bus stand." और जब वहाँ पर गए तो लोगों ने कहा कि बस यहाँ नहीं आती, आपको तो उसके लिए दूसरी जगह जाना है। Again holding their hand, I was coming. और फिर से उनको पकड़ करके फिर दूसरी जगह उनको उन्होंने ले गए। You know what the man said? और उस व्यक्ति ने क्या कहा? "Sir, are you a Christian?" वो सवाल यही पूछा था कि आप मसीही हैं। I asked him, "Why you ask this question?" तो उनसे पूछे कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? "Sir, 2 o'clock in the morning, who will help?" कहने लगे 2 बजे सुबह कौन व्यक्ति ऐसा मदद करेगा? "You have taken me to this bus stand." कहने आप इस बस स्टैंड से जो आप मुझे वहाँ ले गए। "And I am again you are taking me from this bus stand to other bus stand." और उस बस स्टैंड से फिर जो दूसरे जगह आप मुझे लेके जा रहे हैं। "Who will do, sir?" कौन ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करेगा? "Only a Christian will do that." एक क्रिश्चियन ही ऐसा काम कर सकता है। "He has not seen my face." उन्होंने मेरे चेहरा तो नहीं देखा। God wants us to do something. और परमेश्वर इस तरह से हमसे चाहता है कम करें। My dear friends, we are part of the church. प्रिय दोस्तों, हम एक मंडली के हिस्से हैं। Church grows only on dedication and sacrifice. मंडली जो है हमारे समर्पण और हमारे त्याग से ही बढ़ती है। Any institution for that sake, this will grow only on sacrifice. किसी भी इंस्टीट्यूशन हमारा जो है वो हमारे बलिदान से, हमारे जो है
त्याग से ही बढ़ेगा। टुडे वी आर एंजॉय सिटिंग हियर दिस कैंपस। आज इस कैंपस में बैठ करके हम आज आनंद मना रहे हैं। Years back someone must have sacrificed। आज से जो है किस साल पहले किसी ने इसको लिए त्याग किया है। Buying a land of this nature। इस तरह की जमीन को उसने खरीदा। Any church, any school, any hospital, any institution। कोई भी मंडली, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूशन। God wants us to serve Him। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। Beautiful topic। बहुत सुंदर जो है ये जो दिया गया है शीर्षक। Beyond commitment। बोलता है कि सेवा जो है हमारे समर्पण से भी बढ़कर के। Let us commit once again at the feet of the Lord this morning। इस सुबह आइए हम अपने आप को परमेश्वर के पांव तले हम समर्पित करें। May the Lord speak to us। परमेश्वर हमसे बातें करें। And we'll make a decision। और हम एक फैसला ले सकें, निर्णय ले सकें। To serve Him। उसकी सेवा करने के so लिए। So that we can be found in His kingdom। ताकि हम सभी कोई उसके राज में पाए जाएं। God bless you। ईश्वर हम लोगों को आशीष दे।